धारा में आज जिसमें समाया संसार सारा पिटारी में पिटारा पिटारी में पिटारा आज इस कार्यक्रम में बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातों में आज एक ऐसी फिल्म का जिक्र है जो बनी तो बंबई में थी लेकिन जिसके जरिए पर्दे पर पूरी सच्चाई के साथ दिखाया गया 100 बरस पुराना कलकत्ता। एक मशहूर बंगला उपन्यास पर आधारित ये फिल्म हिंदी सिनेमा इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है। इस फिल्म ने निर्देशक अब्रार अलवी, संगीतकार हेमंत कुमार, निर्माता गुरु दत्त और नायिका मीना कुमारी को ही कला की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाया, बिमल मित्र की बंगला कहानी को भी भारत के घर घर में पहुंचा दिया। ये फिल्म थी साहब बीवी और गुलाम। बीवी और गुलाम की बातें तरतीब से कागज पर उतारी हैं कलीम राही ने। इन्हें आप तक पहुंचाने में मददगार हैं राजलक्ष्मी और ये बातें आपको सुना रहे हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक बिमल मित्र का बंगला उपन्यास साहब बीवी और गुलाम सन 1952 में छपा था और इस पर आधारित प्रोड्यूसर गुरुदत्त और डायरेक्टर अबरार अलवी की हिंदी फिल्म लोगों ने देखी 10 बरस बाद यानी सन 1962 में। फिल्म साहब बीवी और गुलाम ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद आज भी दर्शकों के मन के तारों को छेड़ने और उनके जिया में समाने का सामान रखती है। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया है। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर संगीतकार हेमंत कुमार और गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी ने इस फिल्म के मिजाज और उसके रंग को जमाने में अपना बेहतरीन योगदान दिया था। मगर इससे पहले कि हम फिल्म साहब बीवी और गुलाम की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको गुरुदत्त के बारे में कुछ मजेदार बातें बता दें। गुरुदत्त का जन्म सन 1925 में बेंगलोर में हुआ था। उनका पूरा नाम था गुरुदत्त पादुकोण। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता में पूरी की। इसी दौरान उन्हें डांस सीखने का ऐसा शौक चढ़ाया कि गुरुदत्त ने अल्मोड़ा जाकर पंडित उदय शंकर की डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली और सन 1942 से सन 1944 तक डांस की तालीम हासिल की। इसके बाद गुरुदत्त कलकत्ता लौटे, कुछ महीने टेलीफोन ऑपरेटर रहे और फिर 1944 में ही पूना के प्रभात स्टूडियो को ज्वाइन किया एक्टर के तौर पर। सन 1946 में गुरुदत्त को प्रभात की फिल्म हम एक हैं में नृत्य निर्देशक और असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का अवसर मिला। हम एक हैं के डायरेक्टर और गीतकार थे पीएल संतोषी और संगीतकार थे हुसैन लाल भगत राम। हम एक हैं अभिनेता देव आनंद की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उनके साथ कमला कोटनिस, दुर्गा खोटे, रेहाना और रहमान आदि ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।
फिल्म हम एक हैं की फिल्म बंदी के दौरान गुरुदत्त और देव आनंद में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और सन 1951 में देव आनंद ने गुरुदत्त को अपनी फिल्म कंपनी नवकेतन की दूसरी फिल्म बाजी को डायरेक्ट करने का अवसर दिया। बाजी का स्टोरी आइडिया गुरुदत्त का था, जबकि इसकी कहानी, पटकथा और संवाद लिखने वाले थे मशहूर अभिनेता बलराज साहनी। बाजी के गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे एसडी बर्मन। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भूल भल सोना ना, सोना ना। सुनो गजर क्या गाए। फिल्म बाजी शायद हिंदी की पहली क्राइम थ्रिलर थी। इस फिल्म की कामयाबी ने गुरुदत्त के हौसले बुलंद कर दिए। बाजी के बाद उन्होंने फिल्म आर्ट्स के लिए एक फिल्म बनाई जाल, और सन 1953 में अपनी फिल्म कंपनी शुरू की गुरुदत्त फिल्म्स। इस कंपनी की पहली फिल्म थी बाज, बाज के बाद आर पार, फिर मिस्टर एंड मिसेस 55, और सन 1956 में गुरुदत्त ने बनाई सीआईडी। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में फिल्म सीआईडी में अभिनेत्री वहीदा रहमान को पहली बार पर्दे पर पेश किया गया था। अपने असिस्टेंट डायरेक्टर राज खोसला को भी गुरुदत्त ने इसी फिल्म में डायरेक्शन का चांस दिया। सीआईडी के बाद सैलाब और फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर गुरुदत्त ने बनाई एक खूबसूरत, कामयाब और कलात्मक फिल्म प्यासा। फिल्म प्यासा गुरुदत्त के अभिनय और निर्देशन का ही नहीं, हिंदी फिल्म इतिहास का भी एक यादगार पन्ना है। फिल्म प्यासा के माध्यम से देश और समाज की दुर्दशा पर उठाया गया एक सवाल देश के कर्णधारों की आत्मा को आज भी झकझोरता है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। रिश्तों के खोखलेपन पर चोट करते हुए प्यासा के नायक ने जब पूछा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो दुनिया की निरर्थकता जैसे एकाएक उजागर हो गई। प्यासा के बाद गुरुदत्त ने फिल्म जगत की चकाचौंध के पीछे छुपे हुए अंधेरे को पेश किया कागज के फूल में। सन 1959 में बनी ये भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी, लेकिन कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। इसकी नाकामी के बाद गुरुदत्त ने खुद डायरेक्शन करने की बजाय सन 1960 में एम सादिक के डायरेक्शन में चौदहवी का चांद, और फिर सन 1962 में अपने लेखक अबरार अलवी की डायरेक्शन में साहब बीवी और गुलाम बनाई। अबरार अलवी के डायरेक्टर बनने की कहानी हम थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। साहब बीबी और गुलाम के बाद गुरुदत्त ने बतौर नायक सौतेला भाई, बहुरानी, भरोसा, सांझ और सवेरा और सुहागन फिल्मों में काम किया। उनकी अपनी कंपनी की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी और के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड अभी बन ही रही थी कि गुरुदत्त ने सन 1964 में अपनी निजी जिंदगी की उलझनों से तंग आकर अचानक एक रात आत्महत्या कर ली और उनकी जीवनी का आखिरी पन्ना समाप्त हो गया। गुरुदत्त की जिंदगी बेहद ड्रामाई थी। उनकी जिंदगी पर उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चोगताई ने एक उपन्यास भी लिखा है, अजीब आदमी। गुरुदत्त के बारे में बातें तो दोस्तों और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये वक्त उन्हें सुनाने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आइए लौट चलें फिल्म साहब बीवी और गुलाम की तरफ। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे
साहब बीवी और गुलाम के डायरेक्टर अबरार अलवी ने गुरुदत्त को बतौर संवाद लेखक फिल्म आर पार के साथ ज्वाइन किया था। अबरार अलवी का कहना है कि उनका लेखक बन जाना महज एक इत्तेफाक था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे फिल्मों में लेखक बनेंगे। वे नागपुर में एमए और एलएलबी साथ साथ कर रहे थे। उनके पिताजी उन्हें भोपाल ले जाकर वकील बनाना चाहते थे, जबकि अबरार अलवी फिल्मों में अदाकार बनना चाहते थे। इसी मकसद से वो नागपुर से बंबई भागकर आ गए और उन्हें फिल्म बाज में एक छोटा सा रोल भी मिल गया। बाज के असिस्टेंट डायरेक्टर थे राज खोसला। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अबरार अलवी नागपुर में स्टेज और रेडियो के लिए ड्रामे लिखा करते थे, तो उन्होंने अपने गुरु गुरुदत्त से उनका परिचय करवा दिया। गुरुदत्त ने अबरार अलवी को सुना और अपनी अगली फिल्म आर पार का संवाद लेखक बना दिया। और इस तरह फिल्म आर पार से लेकर कागज के फूल तक गुरुदत्त के साथ उनकी हर फिल्म से अबरार अलवी जुड़े रहे। अबरार अलवी केवल संवाद लेखक ही नहीं थे, फिल्म के सेट पर भी वे हरदम मौजूद रहते थे। अदाकारों को उनके संवाद बताना और रियाज करवाना उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी। कागज के फूल की नाकामी के बाद गुरुदत्त की फिल्म कंपनी जबरदस्त परेशानी में आ गई और स्टाफ को तनख्वाह तक मिलना बंद हो गया। इसलिए अबरार अलवी ने बाहर की फिल्में लिखना भी शुरू किया। इधर गुरुदत्त ने प्रोड्यूसर के तौर पर एम सादिक के डायरेक्शन में चौदहवीं का चांद बनाई। चौदहवीं का चांद बेहद कामयाब रही और गुरुदत्त की माली हालत फिर से संभल गई। इसी दौरान गुरुदत्त ने बिमल मित्र का बंगला उपन्यास साहब बीवी और गुलाम पढ़ा और उस पर फिल्म बनाने का फैसला करते हुए अबरार अलवी को बुलवाया और पटकथा और संवाद लिखने को कहा। कुछ ही महीनों में अबरार अलवी ने गुरुदत्त की मर्जी और पसंद के मुताबिक फिल्म का मुकम्मल स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं किया, उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी कर दिया। गुरुदत्त ने इस टेप को बार बार सुना, मगर अपनी ज्याती जिंदगी की उलझनों के कारण इच्छा होने के बावजूद इस फिल्म को डायरेक्ट करने का मन वे नहीं बना सके। लेकिन फिल्म तो बनानी ही थी। उन्होंने डायरेक्शन के लिए पहले सत्येन बोस को और उसके बाद नितिन बोस को लेना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। गुरुदत्त बड़ी उलझन में थे। अचानक एक रात उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वे अबरार अलवी से अपनी फिल्म डायरेक्ट करवाएंगे। इस तरह अबरार अलवी जैसे इत्तेफाक से राइटर बने थे, उसी तरह इत्तेफाक से ही डायरेक्टर भी बन गए और फिल्म साहब बीवी और गुलाम की तैयारियां शुरू हो गईं। रहमान बने साहब, मीना कुमारी बनी बीवी और गुलाम की भूमिका गुरुदत्त ने स्वयं ले ली। उनकी प्रेमिका की भूमिका मिली वहीदा रहमान को। सहायक भूमिकाओं के लिए नजीर हुसैन, सपरू, सज्जन धूमाल, कृष्ण धवन, जवाहर कौल, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, रंजीता कुमारी और मीनू मुमताज को लिया गया और बंबई के नटराज स्टूडियो में एक शानदार सेट पर शुरू हो गई फिल्म साहब बीवी और गुलाम की शूटिंग।
एक जमींदार घराने के रस्म रिवाज और जीवन को दर्शाने वाली फिल्म साहब बीवी और गुलाम की कहानी शुरू होती है एक महलनुमा हवेली के खंडहर से। ओवरसियर अतुल्य चक्रवर्ती उर्फ भूतनाथ यानी गुरुदत्त उसकी खुदाई करवाने के लिए बहुत सारे मजदूरों के साथ एक दिन उन खंडहरात में आए और खंडहर की दीवारों और गलियारों को निहारते हुए जैसे अतीत में चले गए। बड़ी हवेली की एक खंडहरात मैं तुड़वा रहा हूं आज इसे। मैं कभी क्या शान थी इस हवेली की। बरसों पहले जब मैं देहात से कलकत्ते आया और पहली बार इस हवेली को देखा, क्या शान थी। इतने बड़े बड़े मकान हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े मकान कि हमरी तो गर्दने हैं। यहाँ की हर बात बड़ी है भैया, या तो गर्दन ऐट जाती या मरोड़ी जाती। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी पक्की कर ली मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में। मोहिनी सिंदूर वो जनाने दफ्तर माँ हम का कर जीजा जी। सिर्फ नाम जनाना है, काम जनाना नहीं होगा। तनख्वाह भी मोटी, महीने के रुपए 7 और दोपहर का खाना अलग। मास्टर बाबू, मास्टर बाबू। कौन निवारण इस समय? खैर तो है, जल्दी चलिए, बहू बाजार में गोरों ने फिर बोली चलाई है, इसीलिए मोर्चा लग। तुम आराम करो छोटे भैया, हम आते हैं थोड़ी देर। मास्टर बाबू निवारण के साथ चले गए और इसी समय छोटी बहू यानी मीना कुमारी का दर्द भरा गीत फजाओं में गूंजने लगा। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। दूसरे दिन मास्टर बाबू भूतनाथ को अपने साथ लेकर मोहिनी सिंदूर के कारखाने पहुंचे तो कारखाने के मालिक सुविनय बाबू यानी नजीर हुसैन मास्टर बाबू से बोले, मास्टर बाबू कल बहु बाजार में जिसने भी बम फेंका मूर्खता का सबूत। जी हाँ जी हाँ, आप वो आप अपनी फैक्ट्री में एक नया कारकुन रखना चाहते थे ना, सो उसके लिए एक लड़का है। लड़का? जी हाँ लड़का है, है तो देहात का पर पढ़ा लिखा है, इतना मेहनती और ईमानदार लड़का है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाहर खड़ा है। बाहर? जी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए उसे अंदर बुलाइए। जी अच्छा। छोटे भैया, छोटे भैया उस सीढ़ी से सीधे ऊपर आ जाओ, उस बरामदे वाली सीढ़ी से। ये है हमारे रिश्ते के साले, मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने राखी बांधी थी, अभी अभी कलकत्ते आए। अच्छा आइए, चाय पियेंगे आप? दूध पीते हैं हम, पर अभी नहीं। अभी तक कहाँ रहते थे? जी गांव फतेहपुर पोस्ट काजनार जिला नदिया। गांव फतेहपुर नदिया जिला वाला? जी हाँ। आप उस गांव को जानते हैं क्या? हाँ
जी क्या नाम है आपके सारे बहू का? भूतनाथ। भवा ये रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ। ये सुनते ही सुबेरे बाबू की जवान बेटी जबा यानी वहीदा रहमान फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो सुबेरे बाबू ने टोका, जी जवा बेटी, हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसे हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते, हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी हंसते हैं ना? मास्टर बाबू जी, आपके साले बाबू बड़े सीधे साधे मनुष्य हैं बेचारे। हाँ तो भूतनाथ बाबू, मन चाहे तो आज ही से काम शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा तो चलिए मैं आपको सारा काम समझा दूँ, आइए जी। भूतनाथ ने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया। दोपहर में जब खाने की थाली बजी तो वो भी खाने पहुंचा। बस इतना सा भात? हाँ और नहीं मिलेगा। क्यों क्यों? दीदी मणि भंडार से खुद नाप तोड़ कर रसद देती है। आपके हिस्से की जितनी रसद दी वो पका के सामने रख दी, और कहाँ से रहा। भूतनाथ ने चुपचाप खाना खा लिया और अपना काम पूरा करके शाम को वो हवेली पहुंचा। घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं, ये समझो सारा काम हमरे जिम्मे है। वो चिंता तो बैठी मक्खिया मारा करती। चिंता चिंता माए बाप चिंता, हमारी बहन जानत हो किसकी नौकरानी है? छोटी बहू रानी की। पर हमो कुछ कम नहीं, हम भी छोटे बाबू के खास नौकर है। खास वही छोटे बाबू ना जिन्हें उस रात तुम सहारा देकर बैठक में ले गए। उस रात? अरे हर रात हम उन्हें सहारा देकर बैठक में ले ही जाते। कहा बताई साले बाबू, हमारी छोटे सरकार नशा करत है नशा। बोतल चढ़ाई के 4-5 बजे तड़के घर लौटत है, जैसे बैठक में पहुंचे तखत पोस पर ढेर हो जात है, ऊपर जावे का नाम ही नहीं लेत। पर वो सारी रात रहती कहाँ? और कहाँ रहिए, वो पतुरिया है ना चुन्नी दासी, उसके चक्कर में वो दीवाना है दीवाना। मेरी जो ओ मेरी जो अच्छा नहीं इतना से तुम, मेरी जो ओ मेरी जो अच्छा नहीं इतना से तुम, मुझे ना छेड़ सनम मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, हर गई मैं तेरी कसम। दूसरे दिन भूतनाथ मोहिनी सिंदूर के इश्तहार का प्रूफ लिए हुए जबा के सामने आया। सुविनय बाबू हैं? जी नहीं, समाज में गए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई।
क्या? ये प्रूफ ठीक कराना था उनसे, इस इश्तिहार को आज ही छपना है। लाइए मैं ठीक करवा देती हूँ, आप पढ़ते जाइए, मैं सुन रही हूँ। मोहिनी सिंदूर के अद्भुत चमत्कार, जो प्रेमी या प्रेमिकाएं विरह की आग में भस्म हो रहे हों। रुक क्यों गए, आगे पढ़िए ना। जी। या जिनके मिलन में अड़चने या बाधाएं हों। आगे। जी। या जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती। जी जी। आगे पढ़िए। भूतनाथ ने जी जी कहकर प्रूफ ठीक करते हुए अचानक पूछ लिया, भंडार से रसद निकाल के कौन देता है? क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। मगर क्यों? या जिनके प्रेमी या प्रेमिकाएं इनसे रूठ चुके हों, दूर दूर रहते हों, इन्हें चाहिए कि हमारे विश्वविख्यात मोहिनी सिंदूर का सेवन करें, असर न होने पर दाम वापस, कीमत एक रुपए पांच आने। ठीक है, मैं चलूं। भूतनाथ बात टाल गया, लेकिन जब आ समझ गई कि मामला खाने का है, उसने महाराज को डांट पिलाई तो वो दोपहर में भूतनाथ को खाना परोसते हुए बोला, जबा दीदी से उस दिन हमारी चुगली लगाया है ना, पर इसका फल अच्छा ना होगा। मगर हम तो सोच विचार कर चलो कारकुन बाबू, हमसे बैर किया तो एक दिन भी न टिक सकोगे यहाँ। आप जैसे जाने कितने बाबू लोग आए और चले गए, समझे? महाराज की बात भूतनाथ के मन को लग गई और वो खाना खाए बिना ही उठकर चला आया। लेकिन जब इस बात का पता सुवनय बाबू को लगा तो उन्होंने आवाज दी, भूतनाथ बाबू बैठे तो, इधर आओ सामने। इस महाराज ने आपसे क्या कहा था? जी कुछ तो नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। जी मैं तो, अगर आप झूठे नहीं तो क्या मैं झूठ बोली हूँ बाबा से? जी बनिए मत, मैंने अपने कानों सबको सुना है, साफ साफ बताइए क्या कहा था इसने? सिर्फ इतना कि अगर मैंने इससे बैर किया तो मैं यहाँ टिक नहीं सकूंगा। और ये बात आप चुपचाप पी गए, धिक्कार है आप पर। चल निकल निकल घर से। आप सिर्फ झूठे ही नहीं बुजदिल भी हैं, फौरन आके इसकी शिकायत क्यों नहीं की आपने? दरअसल मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए। बातें ना बनाइए, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना, भंडार से रसद कौन निकालता है? आपका ख्याल था मैं ही आपको खाना कम देती हूँ, है ना? जी जी मैं तो, मैं पूछती हूँ आपके लिए कम रसद क्यों निकालूंगी भला? क्या बैर हो सकता है मुझे आपसे? आपको पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा आपका संबंध क्या है? बड़ी हवेली का हर बासी अपने रंग में डूबा हुआ था। वहम की मारी विधवा बड़ी बहू जाने किस अनजाने पाप को धोने के लिए बार बार अपने हाथ धुलवा रही थी। छोटे सरकार नशे में धुत सोए पड़े थे, छोटी बहू उनके लिए बेकरार थी। मजले सरकार यानी सप्रू अपनी जागीर के किसानों पर जुल्म तोड़कर धूमधाम से बिल्ली की शादी का जश्न मना रहे थे और भूतनाथ खामोशी से ये सब देख रहा था। उधर सिंदूर के कारखाने में जब भूतनाथ ने महाराज के बजाय जबा को खाना बनाते हुए देखा तो वो देखता रह गया। क्या देख रहे हैं? यही कि मेरी वजह से वो महाराज निकाला गया, और देखे ना अब कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है आपको। फिक्र न कीजिए, खाने पकाने की आदत है मुझे, पर ये देख के तो आप डर ही गए होंगे। डर? डरूंगा क्यों? इसलिए कि कल से तो आपको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा ना। जी मैं हिचकिचाइए नहीं, कह भी डालिए। मैं चलूं। चल दिए। आपने कहा था ना बाबा से भी कुछ बात करने आए थे आप, उनसे माफी नहीं मांगेगा? कल सवेरे मांग लूंगा। कल सवेरे तो आप मुझसे भी माफी मांग सकते थे, या
आज रात ही जरूरी था। भूतनाथ जवा से जान छुड़ाकर हवेली चला आया। दूसरे दिन वो कारखाने जाने की तैयारी में ही था कि बंसी आ गया। साले बाबू, बहुत ही नाजुक काम है तो उसे क्यों को बतायो नहीं। छोटी बहू रानी तोहका अपने कमरे में बराए मर्द चलाने में आए जाए, ये तो याद ही नहीं। फिकर ना करो, हम तोहका लुकाई छुकाई के नहीं जाबे, आज ही रात को, समझे। अब चले, ये घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी। भूतनाथ सोच में डूबा कारखाने पहुंचा तो चंचल जबा अपने आप में गुम गाना गा रही थी। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा जबा का गाना सुन रहा था कि अचानक जबा की नजर उस पर पड़ गई। खांस लेते हैं आप जी? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खांसे आप? चुपके चुपके मेरी कविता सुनने का आपको क्या दिखा रहे? चुपके चुपके मुझे क्या घूरते हैं? चलिए काम शुरू कीजिए अपना। भूतनाथ चुपचाप अपने काम में लग गया। वो रात को हवेली पहुंचा तो बंसी ने उसे छोटी बहू के कमरे में पहुंचा दिया। भूतनाथ ने छोटी बहू को देखा तो देखता रह गया। ऐसा रूप, ऐसी पवित्र आंखें भूतनाथ ने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बैठो। बड़े शर्मीले मालूम होते हो तुम। बंसी ने बताया तुम मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो। ये रखो। ये रुपए मोहिनी सिंदूर के दाम हैं। ये एक डिबिया ला दो मेरे लिए। आपके लिए? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, उस सिंदूर का कुछ असर भी होता है या नहीं? जी पता नहीं। उन लोगों से पता तो करना जरा। भूतनाथ छोटी बहू के कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मजली सरकार हवेली में ही मुजरे का मजा लूट रहे हैं। साकी है और शाम भी, उल्फत का जाम भी, हो तकदीर है उसी के चले इनसे काम भी। Go to
अगले दिन जब भूतनाथ कारखाने आया तो उसने जबा से पूछा, अगर मोहिनी सिंदूर इस्तेमाल किया जाए तो क्या सच्ची अपना असर दिखाता है? माफ करो बाबा, उसे इस्तेमाल करने की मुझे अब तक जरूरत नहीं पड़ी। वैसे कोई आपको तो जरूरत नहीं आ पड़ी? हाँ। ओ माँ, किस पे आजमाएंगे आप? कहीं मुझ पे तो नहीं? अगर ये बात है तो ठग आ जाओगे भूतनाथ बाबू। आप हंसी में न टालिए, किसी दूसरे के लिए वो सिंदूर खरीदना है मुझे, बहुत दुख है उन्हें। क्या दुख है उन्हें? औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा, और कोई नहीं है? ये कौन सा दुख हुआ? होता है कुछ, यानी कि बहुत बड़ा दुख होता है, पर आप तुम नहीं समझ सको। तो समझा दो ना। कैसे समझाऊं, अभी कुंवारी जो ठहरी। जबा तो मोहिनी सिंदूर के बारे में कुछ नहीं बता सकी, मगर सुविनय बाबू ने बताया कि मोहिनी सिंदूर का फॉर्मूला उनके पिताजी को वरदान में मिला था। भूतनाथ ने खुश होकर एक डिबिया खरीदी और छोटी बहू के कमरे में जा पहुंचा। दिखाओ तो, वो सिंदूर तो दिखाओ। चिंता, छोटे बाबू हवेली में है क्या? नहीं बहू रानी, बाहर गए हैं। ओह, अच्छा सुन, रसोई घर में कह देना आज रात मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना लेकर कोई भी ऊपर ना आए। तू जा बंसी को दे। आज रात तक खाना क्यों नहीं खाएंगे छोटी बहू? मन के साथ पूरी करने के लिए इसके सिवा कोई उपाय भी तो नहीं भूतनाथ। अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है, पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है मुझे वही। मोहिनी सिंदूर की डिबिया ने छोटी बहू के मन के अंधियारे में आशा की जोत जगा दी। दूसरे दिन जब वो छोटे सरकार की खातिर आईने के सामने बनने संवरने बैठी तो दिल में छुपे हुए जज्बात होठों पर आ गए। छोटी बहू माथे पर सिंदूर का टीका सजाए तैयार हुई और छोटे सरकार कमरे में दाखिल हुए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
कुछ भी नहीं देख पाए। क्या बकवास करती हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूँ? इतनी फुर्सत नहीं मुझे। सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या? पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी, धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया है। क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना चाहिए। मोहिनी सिंदूर के बेअसर साबित होने का सदमा सिर्फ भूतनाथ को ही नहीं, सुविनय बाबू को भी हुआ। छोटी बहू छोटे सरकार को चुन्नी दासी के पास जाने से रोक रही थी। रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो। मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों के ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसी क्यों? सेवा करना जानती हो तुम लोग? स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी जैसे चुन्नी दासी गाती है? गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे सामने? शराब पी सकोगी मेरे साथ? शराब? हाँ शराब, बोलो। सारी रात शराब पियोगी मेरे साथ? नशे की मस्ती में झूम सकोगी मेरे सामने? सेवा का मौका चाहती थी ना तुम? तुम क्या सेवा करोगी? छोटे सरकार छोटी बहू के नाजुक दिल पर तंस के नश्तर चलाकर चले गए। छोटी बहू तड़प उठी। उन्होंने उसी रात भूतनाथ के जरिए बाजार से एक बोतल शराब मंगवाई और अपने कमरे में नशे की महफिल सजा दी। छोटी बहू कहाँ चले गई थी तुम? तुम्हारे लिए मेवा लाने। मेवा तो पहले ही से यहाँ पड़ा, अब बहाने नहीं चलेंगे। लो पियो। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। मैं तो कब से पी रहा हूँ, अब तुम लो। चलो चलो शुरू हो जा, पियो भी। भूतनाथ ने मोहिनी सिंदूर के कारखाने जाना छोड़ दिया तो एक दिन सुविनय बाबू ने संदेशा देकर उसे बुलवा भेजा। तुम तो जानते हो जबा मेरी अकलौती बच्ची है और अब ब्याह के योग्य हो चुकी है। बाबा, डॉक्टर बाबू ने ज्यादा बातचीत करना मना किया है। नहीं बेटी, अपने भूतनाथ बाबू से कह दी लग जा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं सारा बीमार आदमी, इसलिए बारात की देखभाल तुम्हें करनी होगी। एक बहुत अच्छा वर मिल गया है, सुपवित्र नाम है उसका। सुपवित्र? हाँ। सुविनय बाबू आइए। धर्मदास बाबू आइए, मैं फिर आऊंगा। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी। दिनों तीन बड़ी घटनाएं घटी थी। पहली ये कि छोटे सरकार ने कोयले की पुरानी खदानें खरीदकर उन पर सारा सरमाया लगा दिया। दूसरी ये कि मंझले सरकार ने कबूतरबाजी के शौक में एक नव दौलती से दुश्मनी मोल ले ली।
और तीसरी ये कि सुविनय बाबू अचानक चल बसे। सुविनय बाबू की मौत से जबा गुमसुम हो गई, न उसे अपना होश रहा न अपने खाने पीने का। भूतनाथ उसी रात की गाड़ी से मुंगेर चला गया। इधर छोटे सरकार को एक दिन चुन्नी दासी याद आ गई और वो वहां जाने की तैयारी करने लगे। छोटी बहू नशे में लड़खड़ाते हुए उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। न जा वो सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी रो पड़ूंगी। जल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी रो के रोकने से छोटे सरकार कहां रुकने वाले थे। छोटी बहू मनाती रह गई और वो उनकी हसरतों को कुचल कर चुन्नी दासी के कोठे पर पहुंच गए। लेकिन कोठे पर तो नजारा ही कुछ और था। उनकी चहेती चुन्नी दासी उनके कबूतरबाज दुश्मनों के आगे मस्ती भरा मुजरा कर रही थी। छोटे सरकार की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपने दुश्मनों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। बात बिगड़ गई और किसी ने उन्हें बोतल घोंप दी। छोटे सरकार को खून में लथपथ हवेली लाया गया। छोटी बहू ने सुना तो चीख मार कर दौड़ी और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। इस घटना के कई महीने बाद जब भूतनाथ मुंगेर से लौटा तो हवेली की सारी रौनक जा चुकी थी। हवेली की ये क्या हालत हो गई मुंशी? अरे अभी तो कुछ नहीं देखियो, उधर देखो, अस्तबल घोड़ा गाड़ी सब बिक गवा है। और छोटी बहू वो कैसी है? अरे और कैसी होंगी, जिस दिन से छोटे बाबू खून में डूबे लौटे हैं उसी दिन से खटिया पकड़ लीन है। लोग कहत है छोटे बाबू को लकवा मार गवा है। पहले जो नशा वसा करत रहे ना वो सब बंद है आजकल। पर छोटी बहू बंसी उनका हाल तो नहीं बताया तुमने? अरे ना पूछो तब ठीक है। भूतनाथ छोटी बहू के कमरे में पहुंचा तो उसके दिल पर एक और चोट लगी। अरे भूतनाथ कब आए बेटी? आज। चल अच्छा हुआ, मेरे काम तो कर देना, थोड़ी सी शराब ला दे। अब तक तुम उसे छोड़ने से थे छोटी बहू? छोड़ दूंगी ना, कल से बिल्कुल छोड़ दूंगी। देख घड़ी। अरे इस तरह कुछ भी नहीं बचा मेरे। भूतनाथ बड़ी हवेली की ये दुर्दशा देखकर जब आके घर पहुंचा। आप नदिया जिले के हैं ना? मेरा ब्याह वहीं हुआ था। पर जबा अगर ससुराल वाले तुम्हें अपनाना चाहते तो आज तक चुप क्यों बैठते? कौन जाने चुप बैठे या नहीं, ये भेद तो सिर्फ बाबा को ही पता होगा। जबा ने एक पुराना पत्र भूतनाथ को थमा दिया। एक्चुअली चक्रवर्ती मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? आप उन्हें जानते हैं क्या? शायद शादी के बारे में
ठीक तरह से पता करना होगा। भूतनाथ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे विश्वास हो गया कि जबा के बचपन की शादी वाला पति वो स्वयं है। वो सोच में डूबा हुआ हवेली पहुंचा तो बंसी दौड़ा दौड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फुर्ती करो फुर्ती, तो कहा छोटी बहुरानी के साथ बड़े नगर जाना होगा। हा? बड़े नगर इस वक्त? हाँ हाँ, एक बड़े साधु के पास। अरे हम तो कब से किराया की घोड़ा गाड़ी ले आए। छोटी बहू बड़े नगर के बाबा जी के पास जाने के लिए भूतनाथ के साथ घोड़ा गाड़ी में सवार हो गई। ये नजारा मंजले सरकार ने देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। वो पहले भी एक दो बार छोटी बहू को भूतनाथ के साथ देख चुके थे। वो गुस्सैली नजरों से घोड़ा गाड़ी को जाता हुआ देखते रहे। घोड़ा गाड़ी में उसे छोटी बहू से पूछा, अब बहू कैसे है? ये तो परेशान हो रहे, कुछ दिनों से उनकी हालत भगवान करे मेरी उम्र लग जाए। मेरी उम्र जब मैं मर जाऊं तो खूब सजाना मुझे, सुनो खूब सजाना, और मांग मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी चल बसी। ऐसा न कहो छोटी बहू, पीछे में मेरा मोक्ष रे, इसी में तो, भगवान करे मेरी उम्र लग जाए। भूतनाथ जवाब में कुछ कहना चाहता था कि अचानक मजले सरकार के गुंडों ने घोड़ा गाड़ी पर हमला कर दिया। गुंडों के इस हमले में भूतनाथ तो बच गया, लेकिन छोटी बहू ऐसी बेनामो निशान हुई कि उनका कोई पता नहीं चला। इस घटना के चंद महीनों बाद भूतनाथ और जबा का मिलन हो गया। भूतनाथ कंपनी का ओवरसियर बन गया। यहां पहुंचकर कहानी फ्लैशबैक से वापस वर्तमान में लौट आई। भूतनाथ अभी अपने अतीत की यादों में ही खोया हुआ था कि एक मजदूर के पुकारने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। ओवर हियर बाबू, नीचे कब्र निकली है। इस घर में? भूतनाथ दौड़ा दौड़ा हवेली के खंडहर नुमा तहखाने में पहुंचा। सामने एक टूटा फूटा इंसानी अस्थि पंजर पड़ा था। उसके हाथ की हड्डियों में कलाई के पास एक कंगन अभी भी फंसा हुआ था। भूतनाथ उस कंगन को पहचान गया। छोटी बहू, वो छोटी बहू का कंगन था। उसकी आंखों के सामने छोटी बहू का चेहरा उभर आया। कानों में जैसे उन्हीं की आवाज गूंजने लगी, सुना मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी चल बसे, सती लक्ष्मी चल बसे। इस ड्रामाई मोड़ पर आकर फिल्म साहब बीवी और गुलाम की कहानी खत्म हो जाती है। साहब बीवी और गुलाम ने अपनी नुमाइश के साथ ही दर्शकों को लुभाना शुरू कर दिया। हेमंत कुमार के संगीत ने भी इस फिल्म को चर्चा का विषय बनाया। कहानी और किरदारों के मूड के मुताबिक जो धुनें बनी थी वो कहानी का हिस्सा बनकर पर्दे पर उतरी। फिल्म की इस म्यूजिकल कामयाबी का सेहरा
गीतकार शकील बदायूनी के सर पर भी था। जहां तक कलाकारों की बात है, सभी ने अपने अपने किरदार बड़ी लगन और खूबी के साथ निभाए, लेकिन मीना कुमारी की जानदार किरदार निगारी के लिए ये फिल्म हमेशा याद आएगी। फिल्म साहेब बीवी और गुलाम उन कामयाब फिल्मों में से एक है जिन्होंने साहित्य को पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि फिल्म हिंदी में थी, बंबई में बनी थी, लेकिन बिमल मित्र की कलम से निकले बंगला वातावरण को इसने बहुत खूबी के साथ सेल्यूलाइट पर उतारा। उस जमाने के बंगाल के सामंती माहौल और जमींदारी प्रथा को फिल्म साहेब बीवी और गुलाम पूरी सच्चाई के साथ पेश करती है। हवेली में घुट घुट कर जीने वाली पत्नियों को एक कमोडिटी मानने वाले युग का खासा चित्रण इस फिल्म ने किया है। जमींदारों का अय्याशी भरा जीवन लोगों के सामने रखते हुए ये फिल्म हिंदी फिल्म इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित कर लेती है। कबूतरबाजी का एक दृश्य तो इतना कलात्मक और सजीव है कि बरसों तक फिल्मकारों को फिल्मांकन की शिक्षा दे सकता है। हालांकि फिल्म अबरार अलवी के निर्देशन में बनी थी, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि गुरुदत्त की जादुई छुअन का इस पर पूरा असर दिखाई देता है। बंबई में होने वाली इंडोर शूटिंग हो या कलकत्ता की आउटडोर शूटिंग, गुरुदत्त हर समय सेट पर मौजूद रहते और डायरेक्टर अबरार अलवी से एक एक शॉट के बारे में चर्चा करते। कभी कभी तो यूं भी होता कि अबरार अलवी को अपनी और गुरुदत्त की पसंद के मुताबिक दो दो शॉट लेने पड़ते, जिन्हें जोड़ने या काटने का फैसला बाद में एडिटिंग रूम पर छोड़ दिया जाता। साहब बीवी और गुलाम बेशक हर लिहाज से एक बामकसद, खूबसूरत, कलात्मक और कामयाब फिल्म थी, जिसे अगर लोग भुलाना चाहें तो भी भुला नहीं सकते। बाइस्कोप की बातें आज आपने सुनी बिमल मित्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म साहब बीवी और गुलाम को लेकर। तहरीर कलीम राही की थी और राजलक्ष्मी की मदद से ये बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। पिटारे में पिटारा, इसके तहत आप सुन रहे थे आज बाइस्कोप की बातें। आज पिटारा लाया था पिटारे में पिटारा।